तो फाइनली भाई यो महिंद्रा ने XUV 300 फेसलिफ्ट का टीजर फिर से अनवील कर दिया है, वो भी पूरी डिटेल में, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। एंड इस वीडियो में हम महिंद्रा XUV 300 के ऐसे दो बड़े मिसिंग फीचर्स के बारे में बात करेंगे जो कि शायद ही आपने किसी वीडियो में सुने होंगे। एंड इस कार में वो फीचर्स नहीं है, एंड वो फीचर्स आपको यार 6 से 7 लाख की कार में भी मिलते हैं, एंड वो मेजर फीचर्स है कार में होने चाहिए लेकिन इस कार में नहीं है। वो मैं वीडियो के किसी भी पार्ट में बताऊंगा, वीडियो को एंड तक लाजमी से देखना। एंड मैं आपको एक फैक्ट यहाँ पर क्लियर कर दूं कि बहुत सारे भाई बोल रहे हैं कि ये महिंद्रा XUV 300 नहीं है, इसका नाम चेंज नहीं बल्कि ये दूसरी कार है। अरे भाई XUV 3XO का मतलब ही 300 होता है, वो कैसे मैं आपको आगे बताऊँगा। पहले अगर हम इस कार के टीजर की तरह नज़र डालें, तो पहले अगर हम इस कार के फ्रंट प्रोफाइल की तरह देखें तो फ्रंट प्रोफाइल में आपको LED DRS देखने को मिलेंगे, LED फॉग लैंप्स देखने को मिलेंगे एंड हेडलैम्प्स का सेटअप आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपने रीसेंट डिस्प्ले शॉट्स में देखा होगा एंड रेंडर इमेजेस में भी ऐसा ही दिखा गया था। एंड उसके साइड में आपको ग्रिल देखने को मिलेगी, साइड प्रोफाइल में एरोडायनेमिक्स पे काम किया गया है, आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलेगी जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट है, एडजस्टेबल 3 हेडरेस्ट मिलेंगे रियर में, उसी के साथ साथ आपको कप होल्डर मिलेगा, आर्म रेस्ट मिलेगा रियर में एंड आपको बड़ी सी टच स्क्रीन देखने को मिल जाएगी। एंड उसी के साथ साथ आपको इस कार में टच स्क्रीन के लेफ्ट साइड में आपको स्टेयरिंग व्हील मिलेगा एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा एंड उसी के साथ साथ पुश स्टार्ट स्टॉप बटन देखने को मिल जाएगा। सॉफ्ट टच डैशबोर्ड आपको ब्लैक एंड व्हाइट थीम में मिलेगा, चूँकि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा। अब आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना, मुझे तो इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई लगा। एंड उसके साथ साथ इसकी साइड प्रोफाइल पे काफ़ी ज़्यादा एरोडायनेमिक्स पे काम किया गया है, आपको इसमें बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिलेंगे, रियर प्रोफाइल में XUV 3XO की बैजिंग देखने को मिलेगी एंड बैक प्रोफाइल रियर प्रोफाइल में आपको कनेक्टेड टेल लैंप देखने को मिलेगी टॉप प्रोफाइल में। एंड उसके साथ साथ प्रीमियम अपहोस्ट्री आपको देखने को मिलेगी, प्रीमियम स्पीकर्स मिलेंगे बोस के। एंड उसी के साथ साथ इस कार का इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा अपडेटेड किया गया है। एंड ये एक शॉर्ट सी वीडियो थी, मैं इस पर कल एक लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा एंड आप मुझे बता देना आपको इस कार में कंपैरिजन वीडियो भी चाहिए तो वो भी मैं बता दूंगा। एंड आपको इस कार पे किस वेरिएंट में फुल डिटेल वीडियो चाहिए, बेस मॉडल, टॉप मॉडल या फिर मिड वेरिएंट, वो भी आप बता देना, मैं बना दूंगा। बस एक इन्फॉर्मेशन वीडियो थी, कल मिलते हैं अपनी एक अच्छी वीडियो के साथ।